महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मैं पिछड़े वर्ग की हूँ और चांबर जाति से हूँ। ऐसे में संजय राउत बार बार मेरे खिलाफ बोलते हैं और समाचार चैनलों के दिए इंटरव्यू के दौरान मुझे परेशान करते हैं। नवनीत राणा ने अपनी शिकायत में लिखा, 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने शिवसेना उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद से शिवसेना संजय राउत मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि मैं पिछड़े वर्ग और चांबर जाति की हूँ, इसलिए वो चैनलों को दिए इंटरव्यू में मुझे परेशान करते हैं। पिछले दो दिनों में दिए इंटरव्यू में उन्होंने मुझे और मेरे पति को बार बार बंटी बबली कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने समुदाय को बदनाम करने के इरादे से मुझे और मेरे पति को 420 भी कहा। बता दें, नवनीत राणा और रवि राणा ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की आवाज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती दी थी, जिसके बाद बड़ी तादाद में शिवसैनिकों ने मातोश्री और राणा दंपति के खार की आवाज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। उधर पुलिस ने इस मामले में नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार किया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल यानी डेली न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।